तो हेलो एवरीवन, अगेन आई एम दीपक भैया। तो यार फिर से हम वही करेंगे। आज फिर से 60 से 90 मिनट्स की वीडियो में हम आपका एक नया टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कौन सा वाला? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो फिर से भैया हम क्या करेंगे इसमें, मैं एक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। इसमें हम यही करेंगे कि हम इसमें फिर से एनटीए के पेपर बनाने की टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। 2019 जनवरी एंड अप्रैल, 2020 जनवरी में जो उन्होंने पेपर पूछे हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर से, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चा फालतू में एफर्ट लगाने का कोई ऐसा फ़ायदा है तो है नहीं, ठीक है ना। तो चालू करते हैं यार। तो ध्यान से देखना, ये मैंने एक आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का चार्ट बनाया है कि जनवरी 2019 में उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 13 क्वेश्चंस पूछे हैं। अप्रैल 2019 में उन्होंने आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। और अब देखो यार, जनवरी 2020 में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये थोड़ा लोचा है, ये थोड़ा लोचा हो गया है, ये थोड़ा लोचा हो गया है। अब इसमें क्या लोचा पड़ गया है बच्चा, तुम समझ ही सकते हो क्या लोचा पड़ गया। इसमें ये लोचा पड़ गया कि अब ये नहीं पता हमें कि जो आपका अप्रैल 2020 आएगा, अप्रैल 2020 जो होना चाहिए था, जो अब जब भी आप जुलाई में दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या गेम होगा, ये समझ भी नहीं आ रहा। कि अगर ध्यान से देखोगे, एक साल में 25 क्वेश्चन और अभी तक सिर्फ 5 आए हैं। तो अगर मेरे से पूछोगे पैटर्न बनाने के लिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो इस चैप्टर की वो इम्पोर्टेंस कम करना चाहते थे, या वो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा कर देंगे इस वाले सेट में कि 20 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो 20 क्वेश्चन निकल कर आएंगे सारे पेपर्स में मिला के, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है यार, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर की वेटेज को इतना नहीं हिलाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर जो होने वाला है ना बच्चा, ये कुछ धमाका होने वाला है। तो मैं फिर बताऊँगा कि प्लीज़, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये चैप्टर बहुत आने वाला है, ये इस वाले चैप्टर से भर भर के पूछने वाले हैं। तो प्लीज़ ये चैप्टर कर लो यार अच्छे से, प्लीज़, ठीक है ना। तो देखते हैं भैया क्या करना था। ध्यान से देखो, जो ये ग्रे से मार्क्ड है ना, ये 2019 का है, और जो ये वाइट से मार्क्ड है वो 2020 का है। तो सबको पता है कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सर, कैलोरीमेट्री, एक्सपेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन, और कौन सी होती है हमारी, इलास्टिसिटी। ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमें इन 5 प्रॉपर्टीज़ की हमने वेटेज निकाल लिया है। वेटेज क्या निकाल लिया है कि सबसे ज़्यादा 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं वो कैलोरीमेट्री के आए हैं, सबसे ज़्यादा 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं वो कैलोरीमेट्री के आए हैं और इलास्टिसिटी के आए हैं, इलास्टिसिटी और कैलोरीमेट्री के। इनसे भी आए हैं लेकिन थोड़े कम आए हैं, इन तीनों चैप्टर से भी आए हैं लेकिन कम आए। और जो 2020 में आए हैं वो तो सिर्फ इन्हीं दो से आए हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों से आए हैं जनवरी में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ तो तुम गए होगे कि आपको बच्चा, आपको कैलोरीमेट्री प्लस इलास्टिसिटी, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डालना है, इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट पड़ेगा, इसमें ज़्यादा एफर्ट पड़ना चाहिए आप लोगों का। कि मतलब ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल ही आना चाहिए, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं दोनों में, तो ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो मैंने जो अभी आज का डिस्कशन भी है, कैलोरीमेट्री और इलास्टिसिटी थोड़ा सा बड़ा रखा है, कंडक्शन वाला और एक्सपेंशन वाला और रेडिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा रखा है, ठीक है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जेई मेंस अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि इन तीनों से ज़्यादा आ जाए। किस्मत है बच्चा, बिल्कुल किस्मत है, समझ में आ गया ना। तो चालू करते हैं यार कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री चालू करते हैं। हाँ जी, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में क्या होता है बच्चा, कैलोरीमेट्री में मैं आपको एक आइडिया दूंगा। कैलोरीमेट्री में जो हम मेजर करते हैं कि सर पहली एक स्टेट होती है, फर्स्ट स्टेट होती है, उसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है, उनको मिक्स करा जाता है और एक फाइनल स्टेट बनती है, एक फाइनल स्टेट बनती है। फाइनल स्टेट में सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वरना वो अभी फाइनल स्टेट नहीं आई है।
तो हमें जो पढ़ना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पढ़नी होती है। जो मिक्सचर के टाइम क्या होता है, वो हम कैलोरीमेट्री में कभी नहीं पढ़ते कि मिक्सचर के टाइम कौन कितनी हीट दे रहा है, किस सेकंड पे कौन कितने, उस मिनट पे उसने कितनी हीट दी, उस मिनट पे उसने कितनी हीट ली। नो, वी आर नॉट कंसर्न्ड। हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट, आई स्टेट लिख देता हूँ, आई स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इन दोनों से मतलब होता है। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट से मतलब होता है। तो चालू करते हैं बच्चा, हीट क्या होता है। डेफिनेशन तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी इसी के फॉर्म में मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बच्चा आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपको समझ में आना चाहिए क्या। अब मैंने थर्मोडाइनमिक्स भी उस दिन रिवाइज करवाया था, तो सर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अपने आप होता है। अगर आपको लोअर से हायर ले जाना है तो आपको कुछ वर्क इनपुट करना पड़ता है। सेकेंड लॉ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉशियस स्टेटमेंट, सबको सब समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो जूल हो जाएगी। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम एक कैलोरी भी यूज़ करते हैं, एक कैलोरी। तो एक कैलोरी किसके बराबर होती है, सबको ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि बच्चा ऐसा होता है कि कभी कभार ना ये एग्ज़ाम में देते नहीं हैं, बहुत बार दे देते हैं, बहुत बार छोड़ देते हैं। तो एक कैलोरी सर 4.2 जूल्स के बराबर होती है। समझ में आ गया, बस इतना याद है आपको, काफ़ी है, ज़्यादा मत घुसो, ठीक है ना। टेम्परेचर स्केल, तीन टेम्परेचर स्केल पता होने चाहिए। कौन कौन से? केल्विन स्केल, बिल्कुल सर पता है हमें। डिग्री सेल्सियस स्केल पता है हमें। डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पता है हमें। हमने तीनों सुन रखे, तीनों का आप अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो एक से दूसरे में। मेन बात यह है, क्या पता डायरेक्टली पूछ ले। हाँ तो सर कर देंगे, कैसे? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल जो होता है वो होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273 प्लस 273.16 कहता है कोई, तो ठीक है यार, वो सब इतना नहीं देखते। और टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में होता है भैया, वो होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल इनटू 9/5 प्लस 32। तो अगर मैं आपको डिग्री सेल्सियस में दूंगा तो फ़ारेनहाइट में कर सकते हो, हाँ भैया इसे कर सकता हूँ। डिग्री सेल्सियस में दूंगा तो केल्विन में कर सकते हो, हाँ भैया कर सकता हूँ। तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दूंगा तो भी केल्विन में कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। पहले डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाऊंगा, फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाऊंगा, कर लूंगा भैया ये सारी चीज़ें कर लूंगा। अगर ये टेम्परेचर स्केल पता है तो ठीक है। तो बच्चा हम एज्यूम करते हैं कि कभी कभार वो एक कोई एक्स लीनियर स्केल भी दे देता है, चौथा स्केल बना देता है कि टेम्परेचर का एक और स्केल है एक्स स्केल। सबकी कॉपी में हो रखा होगा क्वेश्चन पक्का। तो जब भी कुछ नहीं दे रखा होगा तो ये जो स्केल मानोगे ये आप लीनियर स्केल मानोगे। क्या मतलब? ये लीनियरली वेरी कर रहा है किसी भी टेम्परेचर स्केल से, जैसे सारे स्केल लीनियरली वेरी कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। लीनियरली मतलब ध्यान से देखो, कोई पावर नहीं है, पावर वन है सबकी। तो उसी तरीके से आप एक जो नया स्केल मानोगे वो भी लीनियर स्केल मानोगे, ठीक है भैया। देख लेते हैं, लो आ गया क्वेश्चन, किस में? 2019 में आ गया कि एक थर्मामीटर है जो लीनियर स्केल से वेरी करता है। दे भी दिया क्वेश्चन में, दे दिया तो और ही आसान हो गया। कैसे? वैल्यू होती है एक्स नॉट जब वो कांटेक्ट में होता है बॉइलिंग वाटर के, और वैल्यू होती है एक्स नॉट बाई 3 जब कांटेक्ट में होता है आइस के। टेम्परेचर क्या है ऑब्जेक्ट का? इफ दिस थर्मामीटर इन द कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड्स एक्स नॉट बाई 2। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये T डिग्री सेल्सियस था। हमें ये टेम्परेचर बताना है जब x बाई 2 हो जाता है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने x वाला स्केल बनाया है
उसका कंपैरिजन हो रहा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल वाले से। समझ में आ गया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। क्या कंपैरिजन है कि सर यहाँ पे ये एक्स नॉट नाप के देता है जब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे ये एक्स नॉट बाय 3 नाप के देता है जब ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस से कॉन्टैक्ट में, है ना। तो सर जब यहाँ पे ये एक्स नॉट बाय 2 होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, कितना होगा? तो हम क्या मानेंगे भैया, लीनियर स्केल मानेंगे। अगर लीनियर स्केल माना है, अगर लीनियर स्केल माना है तो किसी भी दो पॉइंट्स का जो स्लोप है वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्लोप ले लेता हूँ इन दो पॉइंट्स का, अगला स्लोप ले लेता हूँ इन दो पॉइंट्स का, दोनों का स्लोप सेम कर दो, आ जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा ध्यान से देख लो, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टी, डिवाइडेड बाय 100 माइनस टी। तो सॉल्व करते हैं, ऊपर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 2x नॉट बाय 300, ठीक है। राइट साइड पे हो जाएगा x नॉट बाय 2 100 माइनस टी, x नॉट बाय 2 100 माइनस टी। x नॉट से x नॉट गया, नए पेज पे चलते हैं बच्चा, ध्यान से देखना यार। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 100 माइनस टी, और वहाँ पे कितना चला जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा बच्चा आपका 300। तो ये हो गया 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 40, या टी बच्चा जो आपका हो गया वो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जो आंसर आएगा हमारा सर वो 25 डिग्री सेल्सियस आएगा, बिल्कुल 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। बच्चा डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। एक बार समझ में आ गया, पकड़ लिया तुमने, फिर नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। चलो नई चीज़ ये, अब टेम्परेचर स्केल के और कितने क्वेश्चन करने हैं भैया, हो गया ये सब आ गया हमें। चलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, डिनोट करते हैं एस से, डिनोट करते हैं एस से। सबको आइडिया तो होगा ही लेकिन एक फिर भी बता देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि सर अगर किसी भी चीज़ का 1 ग्राम रखा हुआ है, ज़्यादातर ग्राम में लेते हैं, किलो में भी ले सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ का 1 ग्राम रखा हुआ है तो उसको कितनी हीट दूँ, उसको कितनी हीट दूँ, उसको कितनी हीट दूँ ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से बढ़ जाए या 1 केल्विन से बढ़ जाए, जो इसका टेम्परेचर है वो 1 केल्विन से बढ़ जाए, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। समझ में आ गया? तो ये जो होता है ये हीट होता है, ये पर ग्राम निकालते हैं और पर केल्विन निकालते हैं, क्योंकि आपको 1 यूनिट को देना है मास को और 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इसकी जो यूनिट्स होती है ध्यान से देख लो, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, यूनिट्स जो होगी सर कोई कहेगा जूल पर ग्राम पर केल्विन, बिल्कुल सही बोला, कोई कहेगा सर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ही सही बोला, क्योंकि केल्विन में एक बड़े या डिग्री सेल्सियस में एक बड़े सेम होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में सेम नहीं होता, वो अपने आप सोचो कि क्या होता है। कोई बोले सर जूल क्यों लूँ, कैलोरी लूँगा, ले ले भाई कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, चारों ही यूनिट हैं, जो आपका मन करे यूज़ करो, ओपन है। समझ में आ गया? तो हमें 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है। दूसरा सर कोई स्पेसिफिक हीट याद रखनी है, हाँ याद रखनी है, किसकी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। समझ में आ गया? ये याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में दे देता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो याद होनी चाहिए। समझ में आ गया? हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है सर अगर किसी सब्सटेंस का m ग्राम्स रखा हुआ है, 1 ग्राम नहीं रखा हुआ, m ग्राम्स, m कुछ भी हो सकता है, तो उस m ग्राम्स को कितनी हीट दूं,
उस एम ग्राम्स को कितनी हीट दूं ताकि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाए, ताकि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाए, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? यही वाला जो गिवन है। तो ध्यान से देख लो, तो ये जो होगा बच्चा, ये भी एक तरीके की हीट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पर केल्विन है, पर ग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना मास रखा हुआ है सबका बढ़ाना है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केल्विन, इसकी यूनिट होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस। बाकी दो अपने आप लिखोगे, कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, सबको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? एक और चीज़, क्या भैया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी कोई पूछ लेगा तो इंटेंसिव होती है, हमेशा जब भी स्पेसिफिक लगा होता है तो इंटेंसिव हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती। जब भी हीट कैपेसिटी पूछेगा कैसी प्रॉपर्टी होगी, सब कर लो अपने आप लिख लो, एक्सटेंसिव हो जाएगी। भैया पता ही है एक्सटेंसिव होती है, इसमें आपने क्या बता दिया, सबको पता ही है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे कितना पता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये जो चीज़ है बच्चा, ये है आपका फेज चेंज, ये है आपका फेज चेंज। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। तो अगर आप ये देखोगे स्पेसिफिक हीट, फिर से एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो सर अगर आपका 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको हीट देनी पड़ेगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो हीट निकल कर आएगी। तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो क्या डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका फाइनल टेम्परेचर बढ़ा है या कम है। लेकिन एक चीज़ है कि हीट जो निकल के आएगी वो सेम निकल के आएगी, स्पेसिफिक हीट के बराबर ही होगी। अगर 1 केल्विन बढ़ेगा या घटेगा तो सेम हीट निकल कर आएगी। तो ज़्यादातर जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उसमें स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दे रखी होती है, लेकिन एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं होती है। के की जगह कांस्टेंट ही लिख देता हूँ, याद रहेगा, ज़्यादातर कांस्टेंट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आजकल मेंस वालों को मज़ा आता है, पुराने साल के एडवांस उठा उठा के डाल रहे हैं। अगर तुम देखोगे एनटीए ने जो पेपर डाले हैं वो तो गदर ही डाले हैं यार, कितना डिफिकल्ट है, एडवांस के क्वेश्चन है। तो जो कांस्टेंट नहीं है वो अपने आप रिवाइज कर लेना एक बार। मैं तो 2019-20 के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ध्यान से सोचो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता देता हूँ एक बार सर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है हीट हीट रिक्वायर्ड, जो हीट रिक्वायर्ड होती है टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इंटू वन ग्राम ऑफ लिक्विड। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को 1 ग्राम ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है एट मेल्टिंग पॉइंट एट 180 M, उस हीट को कहता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मार्क करता हूँ LF से। फेज चेंज में क्या खास बात होती है भैया? फेज चेंज में होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सारी की सारी जो हीट आ रही होती है वो कहाँ जाती है? टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो बॉन्ड्स तोड़ने में लग जाती है, टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ता है। समझ में आ गया? तो हमें याद करनी होगी किसी की, हाँ कर लो यार। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की जो होती है वो होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम। इस साल बहुत ही खुश थे ये लोग तो इन्होंने दे रखा था, लेकिन हर साल नहीं देते हैं। मेल्ट करोगे, अगर आइस को मेल्ट करोगे तो तुम्हें इतनी हीट देनी पड़ेगी या सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। अगर वाटर 1 ग्राम पानी फ्रीज होगा, अगर 1 ग्राम पानी फ्रीज होगा तो उतनी ही हीट वो रिलीज करेगा, जो मैंने पहले भी समझाया। उतनी ही हीट सेम SW के बराबर हीट ही, सॉरी LF के बराबर हीट ही वो रिलीज करेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सोच ही लोगे अब तो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भैया LV से डिनोट करते हैं, बिल्कुल LV से डिनोट करते हैं। क्या बोलेंगे? हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इंटू 1 ग्राम ऑफ वेपर
1 ग्राम ऑफ वेपर। मास हमेशा सेम रहता है, डेंसिटी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होती है, मास हमेशा सेम रहता है। एट बॉइलिंग पॉइंट एट 180 एम। किसकी याद रखनी है? वाटर की। कितनी होती है जल्दी से बता दो भैया। 540 कैलोरीज पर ग्राम अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल सही बात है। वेपराइज करोगे तो एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम। अगर तुम वेपराइज नहीं करोगे, अगर वेपर को वापस पानी में लाओगे तो रिलीज करेगा। कितना रिलीज करेगा? 540 कैलोरीज पर ग्राम ही रिलीज करेगा, और कितनी रिलीज करेगा? बिल्कुल सही बात है। ये तो सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था। चलो, तो ये होता है ग्राफ, ये होता है ग्राफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है यार, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ध्यान से देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। सर, 1 ATM पे होता है। बिल्कुल, प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? चेंज इन टेम्परेचर। वो आपने केमिस्ट्री में कर रखा है, करना फिर से, ध्यान से, ज़रूरी है। अब ध्यान से देखो कि तुमने यहाँ पे इस ए पॉइंट पे, ए मार्क कर देता हूँ, ए पॉइंट पे आइस धर रखी है -20 पे। -20 पे कभी भी पानी नहीं होता, -20 पे हमेशा आइस होती है। तो अगर आप इसको हीट देते जाओगे, अगर आप इसको हीट देते जाओगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा सर? 0 तक बढ़ेगा, 0 तक बढ़ेगा, या बी तक बढ़ेगा। अब सारी की सारी आइस बी पे जो बैठी है, वो पूरी की पूरी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बैठी है। तो इस वाले रीजन में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। बी पे तुमने हीट देनी चालू करी, तो बी पे हीट देनी चालू कर दी तो क्या टेम्परेचर बढ़ जाए? अरे कैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा? टेम्परेचर तो तब बढ़ेगा जब आइस को पहले पानी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 0 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। तो अब तुम हीट दोगे तो बी से सी जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे। तो बीच में किसी भी पॉइंट पे थोड़ी सी आइस टूट चुकी होगी, थोड़ी सी आइस टूट रही होगी। तो यहाँ पे सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। सी से डी भी है, क्या हुआ? सी से डी आपने टेम्परेचर देना चालू किया, हीट देनी चालू करी, तो वाटर कहेगा भाई मैं तो अपनी वो बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। कहाँ तक बढ़ाएगा? 100 तक बढ़ाएगा। 100 के बाद वाटर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो वाटर कहाँ एग्जिस्ट करेगा फिर? फिर कहेगा कि अगर और हीट दोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बॉन्ड्स तोड़ूंगा वेपर बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करेंगे किसी भी पॉइंट पे, ई पॉइंट तक। तो ये जो हीट है ये एलवी के बराबर है, ये जो हीट है ये एलएफ के बराबर है। दिख रहा है एलवी वाली लाइन लंबी है, तो मतलब एलवी ज़्यादा है, एलएफ कम है, पता ही था भैया। 540 होता है, पता ही था, समझ में आ गया सबको। अब इनकी जो स्लोप्स होती है ना, स्लोप्स, ये स्लोप और ये स्लोप, एक रिलेशन है स्लोप से, कि तुम स्लोप देख के बता सकते हो कि किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, किसकी स्पेसिफिक हीट कम है। कैसे बताते हैं भैया? क्लास में हो रखा है, कॉपी खोलो जरा थोड़ा। तो यार सब कुछ थोड़ी रिवाइज हो जाएगा, मैं वही करा रहा हूँ जो आ रहा है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बता दिया। कॉपी तुम भी तो खोलो, थोड़ा पेन तो लो। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं, देख लो 2020 इसी साल का में क्या कह रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसे ही करना, 1 सेकेंड में होगा, एक ही बारी में होगा। एम ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ स्टीम है, तो मतलब है तुम्हारा ये वाला पॉइंट है ई वाला, सिर्फ और सिर्फ स्टीम है, ई वाला पॉइंट है। इस मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। तो जो सारी की सारी आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बैठी है। इफ इट प्रोड्यूसेस लिक्विड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने कराया था क्लास में कि अगर तुम्हें कोई फाइनल टेम्परेचर दे देना तो सबसे आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्यों? फाइनल टेम्परेचर पे ये पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। भाई फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, स्टीम एग्जिस्ट नहीं करता, आइस एग्जिस्ट नहीं करती, सारा का सारा पानी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है।
हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दे रखी है और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखी है, हमें बताना है कितने ग्राम आइस थी। तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनो, ऐसे ही करना है सबको, कि भैया हीट लॉस्ट जो होगी वो हीट गेन्ड के बराबर होनी चाहिए। क्या है ये? यही तो प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का, जो मैंने अभी नहीं बताया, आप ले लो। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड होना चाहिए। हीट लॉस्ट किस किसने करी होगी? सर, पहले स्टीम ने लॉस्ट करी होगी अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लॉस करके पानी बन चुका होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसने, पानी ने लॉस्ट करी होगी क्या, 100 से 40 डिग्री आने में कुछ हीट। बिल्कुल सही बात है। हीट गेन किसने करी होगी? हीट गेन करी होगी भैया आइस ने, पूरी की पूरी पिघलने के लिए। फिर जो पानी बन गया होगा 0 डिग्री पे, उसने हीट गेन करी होगी ताकि वो 0 से 40 पे जंप कर जाए। तो ये रहा हीट लॉस, ये रहा हीट गेन, दोनों इक्वेट करते हैं। ध्यान से देखो, m ग्राम्स ऑफ स्टीम m इंटू 540, इतनी इसने लॉस्ट करी होगी। प्लस पानी कितना बना होगा? पानी बना होगा m ग्राम्स ही, बताया है, मास सेम रहता है। स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की? 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60 इज इक्वल टू 200 ग्राम ऑफ आइस। कितनी हीट है? 80। बिल्कुल। प्लस पानी कितना बना? 200 ही। उसकी भी स्पेसिफिक हीट 1। आधा मत ले लेना बच्चा, वो पानी बन चुका है, अब आइस नहीं है, पक्का 101% आधे बच्चों ने जनवरी में ले लिया होगा आधा। आंसर निकल के निकाल के आ गए होगे कुछ ना कुछ, आइस नहीं रहा वो। तो m इंटू 600 इज इक्वल टू, ये जो आंसर हो जाएगा, 200 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 120। तो m जो निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 40 ग्राम्स। m जो निकल कर आएगा वो आएगा 40 ग्राम्स। ये आपका आंसर था, ठीक है? समझ में आ गया? डिफिकल्ट नहीं होता यार, डिफिकल्ट इतना नहीं होता, करना होता है बस। ये लो 2020 का जनवरी, ये बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि तुम लोगों को वैसी आदत है कि सर एक का हायर टेम्परेचर है, एक का लोअर टेम्परेचर है, दोनों को मिलाया बीच का टेम्परेचर आ गया। इसमें तो टेम्परेचर ही नहीं दे रखा था कोई, अब टेम्परेचर ही नहीं दे रखा तो किसका ज़्यादा मानू किसका कम मानू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था एग्ज़ाम में। मैं करा देता हूँ, 3 कंटेनर हैं C1 C2 C3 वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तीनों पे अलग अलग टेम्परेचर पे वाटर है। पहले पे मान लेता हूँ T1 पे था, दूसरे पे मान लेता हूँ T2 पे था, तीसरे पे मान लेता हूँ T3 पे था। समझ में आ गया? द टेबल बिलो शोज दैट फाइनल टेम्परेचर टी व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर गिवन इन लीटर्स आर टेकन फ्रॉम ईच कंटेनर एंड मिक्स्ड। कोई भी हीट लॉस नहीं होती, यही आपका दूसरा प्रिंसिपल होता है कैलोरीमेट्री का, कि कोई भी हीट लॉस नहीं होती। तो ध्यान से देखो, तो अगर 1 लीटर पानी उठाया C1 से और 2 लीटर पानी उठाया C2 से, मिलाया तो 60 डिग्री सेल्सियस फाइनल बन गया। तो इसमें भैया किसका ज्यादा मानू किसका कम मानू, ऐसा मान लिया करो, तुम ऐसा मान लिया करो कि दोनों ने हीट दी है या दोनों ने हीट गेन करी है। तो पहला जो होगा, ध्यान से देखना, टोटल हीट एडेड शुड बी इक्वल टू 0, ये मान लो, अपने आप नेगेटिव निकल के आ जाएगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो तुम मानोगे कि पहले का जो मास है, ध्यान से देखो, m1 sw1 t-t1, इतनी हीट गेन कर ली पहले ने, प्लस m2 sw2 इंटू t-t2, इतनी हीट कर ली उसने गेन, इज इक्वल टू 0, अपने आप नेगेटिव निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, sw सबका सेम होगा, बार बार sw नहीं लिखूंगा, 1 होगा सेम सबका। m जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी भी सबकी सेम है, पानी की डेंसिटी का चेंज दे नहीं रखा, तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल लिख दूंगा मास को। तो m जो हो जाएगा, ध्यान से देखना, m को मैं लिख सकता हूँ पहले वाले के लिए जो m होगा बच्चा, उसके लिए होगा 1 इंटू t-t1 प्लस 2, लीटर भी हटा दिया है, t-t2 इज इक्वल टू 0। टी कितना है फाइनल? टी फाइनल है भैया 60 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख सकते हो 60 प्लस 2 इंटू 60 कितना हो गया? 120। 180 इज इक्वल टू t1 प्लस 2t2। बिल्कुल सही बात है, अगर पहली क्वेश्चन बना लेते तो दोनों बाकी जल्दी बन जाती, डायरेक्टली दिखा देता हूँ। समझ में आ गया? दूसरी इक्वेशन, 1 लीटर मिलाया है किसका? दूसरे वाले का, तो t-t2 प्लस
प्लस 2 लीटर मिलाया है किसका, तीसरे वाले का, टी माइनस टी थ्री इज इक्वल टू जीरो। टोटल हीट गेन इज इक्वल टू जीरो, जिसमें हीट लॉस अपने आप नेगेटिव निकल के आ जाता है। तो इसमें जो होगा फाइनल टेम्परेचर कितना है, 30, तो 2 × 30 कितना हो गया 60, प्लस 30 कितना हो गया 90। तो आप लिखोगे 90 इज इक्वल टू टी टू प्लस 2T3। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन, समझ में आ गया, 90 इज इक्वल टू टी टू प्लस 2T3। तीसरी इक्वेशन कर लेता हूँ, तीसरी इक्वेशन एक, अच्छा दो और एक, दो मिलाया है पहले का, तो 2 × t − t1 प्लस एक मिलाया है तीसरे का और फाइनल टेम्परेचर है 60, 1 t − t3 इज इक्वल टू जीरो। फाइनल टेम्परेचर है 60, तो टी और टी कितना हो जाएगा 60, 120 प्लस 60 180 इज इक्वल टू 2T1 + T3। ये हो गई तीसरी इक्वेशन, पहली दूसरी तीसरी को ऐड कर रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी को ऐड करोगे तो T1 + 2T1 हो जाएगा 3T1, 2T2 + T2 हो जाएगा 3T2, और 2T3 + T3 हो जाएगा 3T3। तो आंसर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा 3 of T1 + T2 + T3, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, 180 + 90 = 360 + 90 = 450, 450। तो भैया T1 + T2 + T3 जो निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा 150, बिल्कुल 150 निकल कर आया है। ये है चौथी इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये मत लिख देना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि अगर आपने तीनों का एक 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 लीटर मिलाया है तो फाइनल टेम्परेचर कितना बनेगा। तो अगर एक 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 लीटर मिलाया है तो 1 T − T1 + 1 T − T2 + 1 T − T3, तीनों मिला के होना चाहिए 0। तो 3T जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो होगा T1 + T2 + T3 के बराबर, या टी जो होगा वो 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री सेल्सियस आ जाता है आपका टी फाइनल टेम्परेचर। समझ में आ गया, आसानी था, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कर पाते। लो ये क्वेश्चन लेना, ये क्वेश्चन कहता है कि आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। आइस -20 पे थी और पानी 40 डिग्री पे था। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस इट इज़ फाउंड दैट 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अनमेल्टेड। तो अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वाटर वॉज क्लोज टू, कितनी ऐड करी थी ये बताना है, तो ध्यान से देखना। फिर से सर, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, बिल्कुल हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या है, हीट गेन किसने करी होगी, सर आइस ने करी होगी, क्या करने के लिए, -20 से 0 तक आने के लिए। फिर हमें दे रखा है कि कुछ आइस ने, पूरी आइस नहीं, कुछ आइस ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेके पिघलने की कोशिश करी है, और हीट लॉस किसने करा होगा, वाटर ने करा होगा, क्या करने के लिए, 40 से 0 पे आने के लिए, 40 से 0 पे आने के लिए। समझ में आ गया, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो। तो हीट गेन जो है वो है, हमें बताना है कि इनिशियली कितनी एक्स एडिड करी होगी। मैं मान रहा हूँ कि इनिशियली जो मास एडिड है आइस का वो एक्स है, तो एक्स इंटू उसका स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, 2.1 × 20 से 0 गया है, तो 20 इतनी हीट उसने गेन करी होगी, प्लस हमें गिवन है, हमें गिवन है कि 20 ग्राम अभी भी अनमेल्टेड है, तो x ग्राम पहले थी उसमें से 20 ग्राम अभी भी अनमेल्टेड है, तो मेल्ट कितनी हो गई होगी, x माइनस 20 मेल्ट हो गई होगी भैया, बिल्कुल सही बात है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है, 334 इज इक्वल टू वाटर, वाटर की कितनी है, वाटर है 50 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है, 4.2, और क्या दे रखा है कि उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ आता है, 40 से 0, 40 से 0। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 20 × 2.1 हो जाता है 42, ठीक है, 42x + 334x इज इक्वल टू, राइट साइड जो हो जाता है
2000 इंटू 4.2 ये हो जाएगा 8400 प्लस 334 इंटू 20 ये हो जाएगा 6680, 6680। तो x जो आएगा बच्चा वो आएगा 15080 डिवाइडेड बाय 376, या आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो 40 के बराबर ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम के बराबर आएगा। तो आप बोलोगे कि जो आंसर था भैया वो 40 ग्राम था, ठीक है। तो ये आंसर था, सबको निकाल लेना चाहिए था, ठीक है। चलो अब आते हैं एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्यों होता है, इंटरनल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि एक्सपेंशन हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, या उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। नहीं मतलब, मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है फिर? मतलब है कि अगर एल नॉट लेंथ थी टी नॉट पे, और फाइनली आपने टेम्परेचर कर दिया है टी एफ, तो जो लेंथ हो जाएगी एल एफ वो होती है एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी नॉट। बस अल्फा क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बस किस फॉर्म का होता है, 10 to the power -5 का। इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस या पर कैल्विन, जो भी लेना चाहो यार, पर डिग्री सेल्सियस या पर कैल्विन जो लेना चाहो सेम आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो लीनियर एक्सपेंशन में दो चीज़ें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम मेंस में भी आ रखा है, एडवांस में भी, अभी नहीं आया था लेकिन पहले आ रखा है, बाय मेटलिक स्ट्रिप। एडवांस में आ गया, किसी भी दिन मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल वन है POM के मॉड्यूल का, प्लीज़ एक बार देख लेना, प्लीज़ देख लेना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम क्या कहता है, सिंपल पेंडुलम कहता है भैया कि तीन चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखेंगे। तीन चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है भैया कि एक एक्चुअल टेम्परेचर होता है जिस पे लेंथ एक्चुअल होती है। बिल्कुल सही बात है पेंडुलम की, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर आप टेम्परेचर घटा दोगे तो लेंथ भी घट जाएगी। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर घटा दोगे तो लेंथ भी घट जाएगी। और टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड भैया जो होता है वो होता है 2 पाई L/G का अंडर रूट। तो सर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ गई, तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया पेंडुलम का, या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाइम पीरियड भी बढ़ा, या मैं कह सकता हूँ कि वो स्लो हो चुकी है, क्योंकि वो धीरे धीरे हिल रही है यार, बहुत धीरे धीरे हिल रही है तो स्लो हो गई है। अगर टेम्परेचर घटाया तो टाइम पीरियड भी कम हो गया, या मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी घड़ी फास्ट हो गई है। बिल्कुल कह सकते हो फास्ट हो गई है। और एक दिन में कितना आता है फर्क, फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा 8640। टाइम लॉस्ट और गेंड इन अ डे, टाइम लॉस्ट और गेंड इन अ डे इसके बराबर है, इसके बराबर है। ये तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए, इसी का एक क्वेश्चन आ रखा था, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा 8640। अल्फा क्या है, अल्फा है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वायर। समझ में आ गया। बायोमेट्रिक स्ट्रिप में भैया क्या क्या याद करना होता है, फॉर्मूला आप याद करोगे, क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है तो याद नहीं कर पा रहा, लेकिन बायोमेट्रिक स्ट्रिप में मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये होता है कि भैया दो स्ट्रिप्स होती हैं, ध्यान से देख लो, एक ये एक ये। समझ में आ गया। तो अगर मैं फिर से बना दूं आप लोगों के लिए, तो ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, जो क्लास में आया होगा उसे आइडिया होगा कि भैया जो ये स्ट्रिप्स होती है ना, ये रिवेटेड होती हैं। रिवेटेड क्या होता है, रिवेटेड क्या होता है पता है, रिवेटेड बताया था मैंने क्लास में, रिवेटेड ये होता है कि यहाँ से भी फिक्स मानते हैं, यहाँ से भी फिक्स मानते हैं,
ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका अल्फा अल्फा वन है, इस ट्रिप का अल्फा अल्फा टू है। अगर अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू है तो भैया ऊपर वाली कहेगी मेरे को ज़्यादा लंबा होना है, तो हो जाना भाई लंबा। कैसे लंबा होगा? ऐसे लंबा होगा, ऐसे लंबा होगा। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला लंबा हो गया अल्फा वन वाला, नीचे वाला छोटा हो गया अल्फा टू वाला। लंबा वो भी हुआ है लेकिन कम लंबा हुआ है। दूसरा, अगर आपने भैया टेम्परेचर कम किया, अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो ध्यान से देखना, तो ये यूं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अल्फा वन वाला ज्यादा छोटा होगा, अल्फा टू वाला कम छोटा होगा। तो ज्यादा छोटा होगा तो वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। समझ में आ गया? वो अपने आप करोगे, वो अपने आप करोगे। समझ में आ गया? तो याद क्या रखना था? याद ये रखना था कि रिवेटेड होता है जब हीट करते हैं तो वो वाली साइड ज़्यादा बड़ी होती है जिसका अल्फा ज़्यादा बड़ा होता है, जब ठंडा करते हैं तो वो वाली साइड ज़्यादा छोटी होती है जिसका अल्फा ज़्यादा बड़ा होता है। बस ज़्यादा छोटी वही होगी। समझ में आ गया? इतना याद रखना है भैया। तो इसमें क्या याद रखना है? क्या है ये? ये है हमारा एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन में याद रखना है कि भैया अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। एरिया कैसे बढ़ता है? सबको समझ में आना चाहिए। एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल वन प्लस बीटा टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। टी नॉट पे एरिया ए नॉट था, टी एफ पे एरिया ए एफ हो गया। अब गेम की चीज, बीटा जो होता है वो होता है अल्फा वन प्लस अल्फा टू। अल्फा वन प्लस अल्फा टू मतलब इस डायरेक्शन में अगर अल्फा वन है, इस डायरेक्शन में अगर अल्फा टू है, तो ये ऐड होता है। लेकिन इस मटेरियल को बोलते हैं अनीसोट्रोपिक, अनीसोट्रोपिक। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम मानते हैं मेरा मटेरियल आइसोट्रोपिक है, या अल्फा वन हर डायरेक्शन में अल्फा बराबर है तो बीटा जो हो जाता है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाता है, ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाता है। एक और चीज़ याद रखनी होती है इसमें कि ये फोटोग्राफिक एक्सपेंशन है। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन का क्या मतलब कि भैया अगर फोटो खींच के उसे बड़ा करूं तो जैसे फोटो बड़ी होती है वैसे ही बड़ा होता है। मतलब अगर ये होल है तो ये होल भी बड़ा होगा, ये होल भी बड़ा होगा। ये नहीं है कि होल छोटा रहेगा, सब कुछ बड़ा होगा। ये मत कर देना कि होल छोटा होगा। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, फोटो खींच लो कैमरा में बड़ा कर लो, अगर फोटो में एक होल था अगर वो भी बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा। समझ में आ गया? फोटोग्राफिक एक्सपेंशन है, क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होता है भैया? वॉल्यूम एक्सपेंशन में वॉल्यूम फाइनल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल वन प्लस गामा डेल्टा टी। बिल्कुल, इसमें क्या होना चाहिए? वही सिंपल, गामा जो होता है वो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री होता है। क्या होगा? एक्स डायरेक्शन का एक अल्फा वन, वाई डायरेक्शन का एक अल्फा टू और जेड डायरेक्शन का एक अल्फा थ्री। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग हैं, क्या बोलेंगे? अनीसोट्रोपिक। अगर सेम दे रखा है तो गामा तुम डायरेक्टली लिखते हो थ्री अल्फा, जो एक अल्फा होता है उसी का थ्री टाइम्स कर देते हैं। समझ में आ गया? 2018 में शायद दो क्वेश्चन आ गए थे। क्या आ गए थे? दे रखा था कि एक डायरेक्शन का अल्फा वन दे रखा था, बाकी दो डायरेक्शन का अल्फा अल्फा दे रखा था। पूछा कि गामा कितना है, तो गामा जो हो जाता था वो हो जाता अल्फा वन प्लस टू अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आसान क्वेश्चन, 4 नंबर। भाई अगर ये भी गलत हो रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रिवाइज होना चाहिए। डेंसिटी चेंज क्या होता है? इसमें एक और चीज़ याद रखनी होती है, डेंसिटी चेंज वो क्या होता है भैया? हमें याद रखना होता है व्हेन एवर अ बॉडी चेंजेस इट्स वॉल्यूम, व्हेन एवर अ बॉडी चेंजेस इट्स वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग। अगर मैंने हीट किया और उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, मास नेवर चेंजेस, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर मास चेंज नहीं होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ मास इनिशियल इज इक्वल टू मास फाइनल। मास इनिशियल होता है डेंसिटी इनिशियल इंटू वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू डेंसिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल। लेकिन भैया डेंसिटी फाइनल जो हो जाएगा वो
वो हो जाएगा डेंसिटी इनिशियल इनटू वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेंसिटी इनिशियल बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, याद होना चाहिए। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये तो आता ही था, आता था, अच्छी बात है, नहीं आता तो रिवाइज ही करना यार, इतना टाइम है रिवाइज कर लेते हैं, क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। लो 2019 का जनवरी में जो क्वेश्चन आया, टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ए को हीट किया गया 180 तक, बी को हीट किया कुछ 30 डिग्री सेल्सियस तक, फिर से जो नई लेंथ आई वो भी सेम है, तो लो इनिशियली दोनों की लेंथ एल नॉट मान लेता हूँ, दोनों का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, समझ में आ गया। अब हमें गिवन है कि इसको हीट किया 180 डिग्री सेल्सियस तक, इसको हीट किया 30 डिग्री सेल्सियस तक, हमें गिवन है कि रेशियो ऑफ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 4:3 है, मतलब इसका रेश कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन 4x है तो इसका कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन 3x है, इसकी जो फाइनल लेंथ है और इसकी जो फाइनल लेंथ है वो भी सेम है, तो अब तो सिंपल है, LF क्या होना चाहिए था, LF होना चाहिए था L नॉट 1 प्लस 4x, 180 माइनस 30 कितना हो गया 150 इज इक्वल टू, दोनों की सेम है तो इसकी इक्वेट कर देता हूँ, L नॉट 1 प्लस 3x t माइनस 30, L नॉट से L नॉट काट दो, 1 से 1 काट दो, एक्स से एक्स काट दो, आंसर बचा 600 इज इक्वल टू 3t माइनस 90, 3t इज इक्वल टू 690 या t इज इक्वल टू 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस वैसे केल्विन में पड़ता है लेकिन जब माइनस लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस में भी ले लेते हैं डायरेक्टली, 230 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कंडक्शन, कंडक्शन क्या कहता है, कंडक्शन में सबसे पहली बात जो है, अब तुम्हारा दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, कंडक्शन में पहली बात जो है कि हम भैया हमेशा स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, स्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट मतलब यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक दीवार से लगी हुई है जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट T1 है, और यहाँ पे ये एक दीवार से लगी हुई है जिसका रॉड का जिसका टेम्परेचर दीवार का हमेशा टेम्परेचर T2 है, चलो T2 T1 ले रखा है इन्होंने तो वही ले लेते हैं, ये T2 है हायर टेम्परेचर, ये T1 है लोअर टेम्परेचर, हमेशा ऐसा ही है, फिक्स है, जिसे सोर्स और सिंक टाइप कह सकते हैं। तो भैया स्टेडी स्टेट में यहाँ से हर सेकंड कुछ हीट आगे जा रही होगी, आगे जा रही होगी, आगे जा रही होगी, आगे जा रही होगी, और ये वॉल निकाल लेता होगा, ये आगे जा रही होगी, ये आगे जा रही होगी, ये आगे जा रही होगी, हर सेकंड कुछ हीट जा रही होगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा मेंटेन है, तो जो हीट पर सेकेंड जाती है उसी को हम हीट करंट बोल देते हैं या उसी को हम हीट फ्लक्स बोल देते हैं, डिफाइन करते हैं एच डॉट से, वो होता है के ए, पता होगा सबको, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L, K A T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय, ये हीट फ्लक्स है, हीट करंट है, या इसे बोलता हूँ जूल्स पर सेकेंड, इसकी यूनिट है जूल्स पर सेकेंड। भैया ध्यान से सुनना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तभी यूज होता है जब K और A आपका कांस्टेंट होता है, अगर K और A में कुछ लोचा हो गया तो डिफरेंशियल फॉर्म यूज होती है, मैं नहीं कराता क्योंकि मेंस में ज़्यादातर आती नहीं है, मेंस में सिंपल वाला आता है, यही फॉर्मूला वाला आता है, के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसका क्या यूनिट होगी, ध्यान से देखना, एच डॉट की यूनिट वॉट जूल पर सेकेंड इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन, ये इसकी यूनिट होगी, याद कर लेंगे, निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ गया। भैया हम ना इसको ना एक और चीज़ से कंपेयर करते थे, डीसी सर्किट से कंपेयर करते थे, डीसी सर्किट में क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर, कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी का, हमारे पास भी तो टेम्परेचर डिफरेंस है इसीलिए तो हीट करंट फ्लो कर रहा है, तो आई जो होता है वो हमारा एच डॉट हो जाता है, डेल्टा वी जो होता है वो हमारा डेल्टा टी हो जाता है, और बाकी जो होता है वो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है, L डिवाइडेड बाय के ए, तो एक रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस L बाय के ए होती है, एक रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस L बाय के ए होती है, याद रखना है,
क्लियर है सबको, डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। तो सीरीज कनेक्शन भी होते हैं भैया, पैरेलल कनेक्शन भी होते हैं, बिल्कुल। सीरीज कनेक्शन में कैसे फॉर्मूला निकालते हैं? सीरीज कनेक्शन में आपको याद रखना है कि एच जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ से जितनी हीट निकली वॉल से वही दूसरी वॉल में जाएगी, वही तीसरी में जाएगी, तीसरी रॉड में जाएगी, वही फाइनल वॉल में जाएगी। हीट जब स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा। जितनी हीट पर सेकेंड आएगी उतनी हीट वो पर सेकेंड आगे कर देगा। बिल्कुल भैया, ये सब तो हमें रटा हुआ है। तो जो इसमें हीट होती है या हीट करंट होता है, वो बच्चा क्या होता है, ध्यान से देखना, वो होता है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A प्लस L3 बाय K3A। बिल्कुल इतना याद है, बहुत है यार, इतना तो सर, इतना तो याद ही है, तो बहुत है, मैं बता रहा हूँ। ये है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में दोनों सेम वॉल्स के अक्रॉस लगे हैं, तो मतलब है डेल्टा टी दोनों का सेम है। तो जो टोटल हीट करंट निकल रहा है लेफ्ट वॉल से, वो होगा हीट करंट जो निकल रहा है पहली रॉड पे प्लस हीट करंट जो निकल रहा है सेकेंड रॉड पे। तो ये हो गया डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L1 बाय K1A1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L2 बाय K2A2 डिवाइडेड बाय L2 बाय K2A2। समझ में आ गया? ये ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल हीट करंट कितना निकल रहा है लेफ्ट वाली वॉल से राइट वाली वॉल पे। बिल्कुल इतना समझ में आ गया तो बहुत है यार। देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं क्या करूँ। तुम सोच रहे हो भैया क्या करा रहे हो यार, इजी करा रहे हो। लो क्वेश्चन देखो, 2019 अप्रैल। दो मटेरियल जिनका कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K और K दे रखा है और थिकनेस दे रखी है डी और 3D, उन्हें ज्वाइन कर दिया गया है। टेम्परेचर ऑफ आउटर सर्फेसिस दे रखा है, ये θ2 है, ये θ1 है। θ2 बड़ा है तो θ2 से हीट फ्लो करेगी θ1 तक। टेम्परेचर इंटरफेरेंस पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है, क्या करोगे यार? इसका टेम्परेचर सर थीटा मान लेंगे और क्या मानेंगे। बिल्कुल। तो पहले में सर सीरीज कनेक्शन है, दोनों का एच सेम होना चाहिए, तो पहले वाली जो रॉड है उसका एच जो होगा उसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, θ2 माइनस θ टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो हो गया डी बाय 3 KA। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही हीट करंट होना चाहिए दूसरी रॉड का, उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, थीटा माइनस θ1 डिवाइडेड बाय 3D बाय K डिवाइडेड बाय 3D बाय K। दोनों को इक्वेट करना, ध्यान से देखना, K कट गया, D और D कट गया, तो ऊपर आ गया इस केस में, इसमें आ गया 3 θ2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस θ1 बाय 3। यह आ गया, इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 θ2 माइनस थीटा माइनस 9 θ इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1, या मैं कह सकता हूँ 10 θ इज इक्वल टू 10 θ इज इक्वल टू, सॉरी ये थीटा माइनस θ1 है, हो जाएगा 9 θ2 प्लस θ1, या थीटा जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आपका 9 θ2 बाय 10 प्लस θ1 बाय 10 प्लस θ1 बाय 10। तो आंसर कोई मैच कर रहा है, मैच कर रहा होगा 2 पार्ट 9 θ2 बाय 10 प्लस θ1 बाय 10। ये जो सही कर देते हैं इसको, ये माइनस है, ये 10 है, बस ये हो गया आंसर आपका, यही आता है यार, मैं क्या करूं बच्चे बताओ। लो दूसरा क्वेश्चन 2019 जनवरी का। ये कह रहा है कि भैया हीट सोर्स है जो 10^3 केल्विन पे है, वो एक और रिजर्वायर पे रखा है जो 10^2 केल्विन पे है, कॉपर स्लैब है जो 1 मीटर थिक है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, एनर्जी फ्लक्स बता दो स्टेडी स्टेट में। अगर ऑप्शन देखोगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर है, मतलब मुझे पर यूनिट एरिया का बताना है। तो एनर्जी फ्लक्स एच डॉट जो होता है वो होता है K A डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L। मुझे पर यूनिट एरिया बताना है तो मुझे बताना है एच डॉट बाय ए, वो हो गया K डेल्टा टी बाय L।
तो वो कितना हो गया, के कितना है 0.1, सब ऐसा यूनिट में है। डेल्टा टी कितना हो गया, 1000 से 100 जा रहे, तो भैया 900 हो गया बिल्कुल। एल कितनी दे रखी है 1, तो ये कितना आ गया आंसर, 90 आ गया। मैं क्या करूँ यार, अब यही आता है तो फोर्थ पार्ट आंसर है तुम्हारा 90। समझ में आ गया, चलो समझ में आ ही रहा होगा यार सब कुछ, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। सिलेंड्रिकल शेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ये दो फॉर्मूले बिल्कुल याद करने हैं, रटने हैं। दो फॉर्मूले किस चीज़ के हैं, ये है कि एक सिलेंड्रिकल शेल है। बच्चे ध्यान से देखो, ये सिलेंड्रिकल शेल है, ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया। समझ में आ गया, जो आपने टेम्परेचर दिया है अंदर पूरी सरफेस पे, अंदर सिलेंड्रिकल सरफेस पे T1 दिया है और बाहर T2 दिया है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो हीट जो है वो रेडियली आउटफ्लो करेगी, रेडियली आउटफ्लो करेगी, रेडियली आउटफ्लो करेगी, रेडियली आउटफ्लो करेगी। इसमें अलोंग द लेंथ फ्लो नहीं करेगी, रेडियली आउटफ्लो करेगी। तो इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, सबने कॉपी में डिराइव कर रखा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि क्या हो, आपको याद रहे कि ये भी रिवाइज करना है जब कॉपी फिर से खोलो। T1 - T2 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय ln R2 / R1। R2 है बाहर वाला रेडियस, R1 है अंदर वाला रेडियस, डिवाइडेड बाय 2 π kh। h क्या है, हमारी लेंथ ऑफ द सिलेंडर। समझ में आ गया, इसमें हीट कैसे फ्लो करेगी, भैया यू फ्लो करेगी, क्योंकि उसे अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा दिख रहा है, बाहर का टेम्परेचर कम दिख रहा है, सिमेट्री है, तो वो रेडियली फ्लो करना चालू कर देगी। तो अगर ध्यान से सोच पाओगे तो इसमें जो है वो एरिया चेंज कर रहा होगा, क्यों, पहले इस थिकनेस वाले सिलेंडर से आगे निकलेगा, अब इस थिकनेस वाले सिलेंडर से आगे निकलेगा, अब इस थिकनेस वाले सिलेंडर से आगे निकलेगा, तो एरिया चेंज हो रहा है, तो इसमें इंटीग्रेशन होती है डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करके। आपने क्यों लिखवा दिए फिर, ये इसलिए लिखवा दिया क्योंकि एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था कि इस वाले सिलेंडर के लिए जो हीट करंट है वो ln R2 / R1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, एक बार आ रखा है यार, अब इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं तो कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट था तो लिखवा दिया, ठीक है। स्फेरिकल शेल, अब स्फेरिकल शेल में भी वही लोचा है, क्या लोचा है, ये लोचा है कि अंदर का टेम्परेचर T1 है, बाहर का टेम्परेचर T2 है, T1 > T2 है, हीट कैसे जाएगी, समझ रहे हो गए, यूं जाएगी भैया, समझ में आ गया, यूं जाएगी हीट, बिल्कुल यूं जाएगी। ये भी मेंस में आ रखा है एक जगह पुराने साल में, अभी नहीं। तो हम इसकी डेरिवेशन करना चाहते हैं, डेरिवेशन क्यों करनी है, फॉर्मूले याद कर लो, अब ज़रा एक आइडिया लग जाए कि कैसे दिखता है। उन्होंने पूरा नहीं निकलवाया था, उन्होंने बस ये पूछा था कि किस पे प्रोपोर्शनल होता है, तो किस पे प्रोपोर्शनल होगा सबको याद है, तो ज़रा अपने आप लिखना एक बार, एच इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय R2 - R1 डिवाइडेड बाय 4 π kR1 R2। के क्या होता है, जिस मटेरियल का के है, जिस मटेरियल का के है। आसान था यार ये भी, आसान मतलब फॉर्मूला याद करना है, कुछ ऐसा करना नहीं है, इसमें डिराइव नहीं करना हम लोगों को, ठीक है ना, डिराइव नहीं करेंगे। लो ये क्वेश्चन आया 2019 जनवरी में, लेकिन जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया होगा उसका गलत होगा, क्यों, क्वेश्चन ये था ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन था ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था भैया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने आपने एक अंदर वाला सिलेंडर है, पूरा सॉलिड सिलेंडर, ये अंदर वाला सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, ये अंदर वाला सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, ये बाहर वाला सिलेंडर एक और सॉलिड सिलेंडर है, ये बाहर वाला सिलेंडर एक और सॉलिड सिलेंडर है। हमने एक सरफेस पे, बेस वाले एरिया पे, गोले वाले एरिया पे एक टेम्परेचर T1 दे दिया, वॉल से फिक्स कर दिया, एक पे T2 दे दिया। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि मैंने इस सरफेस पे टेम्परेचर T1 दे दिया, इस सरफेस पे टेम्परेचर T2 दे दिया, तो टेम्परेचर अलॉन्ग द लेंथ फ्लो करेगा, अलॉन्ग रेडियस फ्लो नहीं करेगा, जो बहुत लोगों ने किया होगा, अलॉन्ग द लेंथ फ्लो करेगा। तो कितना फ्लो करेगा सर, पैरेलल कनेक्शन है, दो रॉड है, बिल्कुल सही बात है, तो टोटल कितना फ्लो करेगा, टोटल जो फ्लो करेगा वो करेगा के इनटू ए, एक का एरिया है, एक का रेडियस आर दे रखा था, π r² इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कोई भी लेंथ एल,
प्लस दूसरा, ध्यान से देखना, एक का रेडियस आर तक था और एक उसकी कवरिंग थी 2R तक, तो उसका एरिया जो होगा बच्चा ध्यान से देखना, उसका एरिया तो सिर्फ यही वाला एरिया होगा ना, और ये वाला एरिया कितना होगा, ये होगा पाई इंटू 4R² माइनस पाई आर स्क्वायर, तो प्लस के इंटू 3π r² बिल्कुल सही बात है, इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। क्वेश्चन कहता था कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, एक मटेरियल को लगाऊं कितने एरिया पे, 2R वाले रेडियस पे, तो कितने की कंडक्टिविटी लाऊंगा ताकि सेम हीट फ्लो करेगी, तो लो तो उस केस में जो एच नॉट होता वो होता के इक्विवेलेंट कुछ, एरिया हो जाता 4π r² इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। दोनों हीट करंट सेम होने चाहिए, अगर सेम आएगा तो सेम इक्वेट करोगे तो ध्यान से देखना, ध्यान से देख लो, डेल्टा टी एल एल कट जाएगा, सबका पाई आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो के इक्विवेलेंट जो बचेगा बच्चा वो बचेगा, अच्छा इसका के के वन था, इसका के टू के वन था, तो बचेगा के वन प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई 4, K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4 या बी पार्ट, अंदर वाले का K1 गिवन था, बाहर वाले का K2 गिवन था, बाहर वाले का K2 गिवन था। समझ में आ गया, इजी है यार क्वेश्चन, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चल रहा है कुछ, समझ में आ गया ना। चलो रेडिएशन देखते हैं बच्चा, रेडिएशन में स्टीफन्स लॉ, स्टीफन क्या कहता है, स्टीफन्स लॉ कहता है पार इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट टी की पार 4, ये पावर होता है पावर एमिटेड ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर टी। टेम्परेचर किस में लेते हैं भैया, केल्विन में लेते हैं। ये स्टीफन कांस्टेंट होता है, कितना होता है 5.67 इंटू 10^-8 होता है। ए क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। ई क्या होता है, एमिसिविटी होता है। एमिसिविटी 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, लेस देन 1 होता है नॉर्मल बॉडीज़ के लिए, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल बॉडीज़ के लिए लेस देन 1 होता है, इतना सबको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन ओ ये जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट कितनी होगी, ये जो पावर होता है इसकी यूनिट होती है वॉट, ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, पर केल्विन की पावर 4, ये सबको याद होना चाहिए, बस इतना ही है। समझ में आ गया, चलो इतना याद हो गया भैया, दूसरा क्या याद करना है, दूसरा ये याद करना है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इतना ही होता है यार। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है रेडिएशन, सिर्फ ये कहता है रेडिएशन, ये कहता है कि अगर एक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे है तो वो हीट एमिट करती है, हीट मतलब एक तरीके की EM waves emit करती है, जो वो EM waves emit करती है वो सारी wavelength की EM waves emit करती है, लेकिन एक wavelength ऐसी होती है जिस पे वो सबसे ज़्यादा emit करती है रेडिएशन। एक टेम्परेचर पे अगर है, अगर वो 20 केल्विन पे है तो वो सारी ई एम वेव्स रेडी एमिट करेगी, सारी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन एक वेवलेंथ की वो सबसे ज़्यादा एमिट करेगी। अगर वो 50 पे है तो भी सारी करेगी, लेकिन 50 पे किसी और वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा एमिट करेगी। तो कैसे निकालते हैं वो, उसके लिए वेन ने एक लॉ दे दिया, लैम्डा मैक्सिमम की, सबसे ज़्यादा लैम्डा की, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लैम्डा की निकल रही है, इंटू टेम्परेचर जो अभी बॉडी का है, शुड बी इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। ये हमेशा वैलिड होना चाहिए कि भैया अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स जो होगा, सबसे ज़्यादा लैम्डा एनर्जी किस लैम्डा पे निकल रही है वो कम होता रहेगा। ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा क्या है, इसका कम हो गया, इसका और कम हो गया, इसका और कम हो गया, इसका और कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होता जा रहा है, या लैम्डा कम होता जा रहा है, लैम्डा कम होता जा रहा है। समझ में आ गया, इजी है। लो इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टीज थोड़ी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बच्चे इनमें अभी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं यार, क्या करें। समझ में आ गया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कहीं कहीं लिखा होता है कि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों मिला के होता है, कहीं कहीं होता है सिर्फ रेडिएशन की वजह से होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, बेसिक फंडा ये होता है कि अगर टेम्परेचर ऑफ़ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द रूम जिसके अंदर वो रखा है, टेम्परेचर ऑफ द रूम जिसमें वो रखा है उसका डिफरेंस बहुत कम है, तो आप कह सकते हो कि जो ये बॉडी हीट लॉस कर रही है, जो ये बॉडी हीट लॉस कर रही है, दैट इज़ इक्वल टू एच ए टी माइनस टी एस,
ये टीएस क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर या रूम का टेम्परेचर, इसे बोलते हैं हीट लॉस या रेट ऑफ हीट लॉस। इसे बोलते हैं कि रेट ऑफ हीट लॉस जो हो रहा है वो इसके प्रोपोर्शनल है। हम मानते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर एक तरीके का सिंक है, कि उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर, अगर वो हीट लॉस करता रहेगा, तो ये जो टी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है वो तो चेंज करता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हर इंस्टेंट पे जो उसका रेट ऑफ हीट लॉस है वो चेंज करता रहेगा, और जितनी वो हीट लॉस करता है वो माइनस एम एस डी टी बाई डी टी के बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एम एस डी टी क्या होता है, कि उसने अगर हीट दी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर कम होगा, डी टी से कम होगा। कितने टाइम में, स्मॉल डी टी टाइम में। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है इज इक्वल टू एच ए टी माइनस टी एस या डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस एच ए बाई एम एस डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे कि सर इनिशियली टेम्परेचर टी नॉट था बॉडी का जब टाइम जीरो था, कुछ टेम्परेचर टी हो गया जब टाइम टी हो गया। एक इसका अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, आपको होमवर्क है, वो घर पे करिए, कुछ तो करिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मेथड मैं लिख लेता हूँ, घर पे करेंगे ये वाला भी ना, वैसे इंटीग्रेशन कभी नहीं करवाता, इंटीग्रेशन कभी नहीं करवाता। वो क्या करवाते हैं मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ में आना। और ये डी टी बाई डी टी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है, सिर्फ डी टी बाई डी टी, इसको मैं रेट ऑफ कूलिंग बोलता हूँ, इसको मैं रेट ऑफ कूलिंग बोलता हूँ, इस चीज़ को मैं रेट ऑफ कूलिंग बोलता हूँ। उसको क्या, तो रेट ऑफ हीट लॉस, इसको बोलता हूँ रेट ऑफ कूलिंग। समझ में आ गया। चलो, ये क्वेश्चन आया था 2019 अप्रैल में, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल बीकर्स है ए एंड बी, और वो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड रखते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे, और उन्हें छोड़ दिया है कि ठंडे हो जाओ इस रूम में। दो अलग लिक्विड है 60 डिग्री सेल्सियस पे, छोड़ दिया कि ठंडे हो जाओ स्टार्टिंग से। समझ में आ गया। लिक्विड जो ए में है उसकी डेंसिटी दे रखी है और स्पेसिफिक हीट दे रखी है, जबकि जो लिक्विड बी में है उसकी डेंसिटी दे रखी है और स्पेसिफिक हीट दे रखी है। हमसे बोला है कि उनका जो टेम्परेचर का चेंज होगा वो क्या होगा। हमें ये मानना है कि दोनों की एमिसिविटी सेम होगी। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा निकल के आता है क्या। अगर तुम्हें लास्ट स्लाइड वाला फॉर्मूला याद था, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एच ए बाई एम एस टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, समझ में आ गया। तो ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किसी भी टाइम पे। ये होता है एच, जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, ये डिपेंड करता था एमिसिविटी पे। दोनों की एमिसिविटी सेम दे दी तो ये सेम हो गया। अगर ये सेम हो गया तो इसे मैं काट रहा हूँ। दोनों का एरिया सेम है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल कंटेनर्स है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है। अब एम एस दोनों का अलग है, लेकिन टी माइनस टी एस दोनों का सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग का, बिल्कुल इनिशियल का बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में दोनों का टेम्परेचर भी 60 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम है। तो इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग पे डी टी बाई डी टी एट टाइम इज इक्वल टू जीरो जो है वो सिर्फ माइनस के बाई एम एस के बराबर है। तो जिसका एम एस ज़्यादा उसकी स्लोप कम, उसकी स्लोप कम, तो आंसर निकल आएगा। यही था क्वेश्चन, ज़्यादा उसने घुसवाया नहीं था, अगर इतना दिमाग चल जाता तो हो जाता। एम एस पहले का देखना, पहले का एम है 8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 2000, तो हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 5 ए का। बी का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 इंटू 4000, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो किसका ज़्यादा हो गया, ये है बी का एम एस, ये है ए का एम एस। तो मैं कह सकता हूँ कि डी टी बाई डी टी जो बी का होगा वो कम होगा, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसमें क्या, इसमें तो भैया बी का ज़्यादा है, ख़त्म। इसमें तो दोनों का सेम है, ख़त्म। इसमें फिर से बी का ज़्यादा है, ख़त्म। इसमें बी का कम है, कैसे कम है, बी का ये स्लोप बनेगा, ए का ये स्लोप बनेगा, तो बी का इसमें कम है, तो आंसर इसका सेकंड पार्ट हो जाता। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं बोलूँगा यही एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इलास्टिसिटी, चालू। सबसे ज़्यादा 99% क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ही आते हैं, बाकी शीयर स्ट्रेस स्ट्रेन बल्क मॉडल्स कभी कभार आ गए।
तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल है, और इसमें भी ना वो वाला क्वेश्चन नहीं आता कि जिसमें फोर्सेस बदल रही हैं, वो तो एडवांस वाला है, कांस्टेंट फोर्स पे करवा देते हैं सारा काम। अगर एक बार है जिसकी लेंथ एल है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊं दोनों साइड एफ, तो एक तरीके का टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, दैट इज इक्वल टू एफ बाय ए, पता होना चाहिए। अगर प्रेस करूंगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, कितना, एफ बाय ए। और एक स्ट्रेन डिफाइन करता हूँ, स्ट्रेन होता है कि इस खींचने की वजह से डेल्टा एल से बढ़ गया डेल्टा एल बाय एल, और यहाँ भी स्ट्रेन जो होगा इसकी वजह से डेल्टा एल कम हो गया, तो डेल्टा एल बाय एल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल याद रखना है, समझ में आ गया। कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल मतलब जब खींचते हैं, कंप्रेसिव मतलब जब कंप्रेस करते हैं, कुछ तो डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब एक चीज़ है, हुक्स लॉ आता है, हुक्स लॉ कहता है कि ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन बहुत कम स्ट्रेन के लिए दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो जो हमारा निकल कर आता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की यूनिट वन, डायमेंशनलेस, समझ में आ गया। बस हुक्स लॉ ये हमेशा वैलिड नहीं होता, ये छोटे छोटे स्ट्रेन्स के लिए वैलिड होता है, हर मटेरियल के लिए अलग होता है, ज़्यादा बाय मतलब ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल, बात खत्म, इसमें तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है। स्पीड एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट, स्पीड एक्सेलरेशन और फोर्स को अगर फंडामेंटल यूनिट मानूं तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन कितना होगा? यंग्स मॉडुलस का भैया अभी आपने डायमेंशन बताया वो स्ट्रेस के बराबर था या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर था, न्यूटन होता है केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी, केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलो ए फर्स्ट वाला चेक करते हैं, ये है वी की पार माइनस फोर या वन बाय मीटर फोर बाय सेकेंड की पावर फोर, ठीक है। एरिया एक्सेलरेशन का स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड की पावर फोर। फोर्स, फोर्स फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए ज़रा कट के कुछ बना क्या, सेकेंड फोर कट गया, ये मीटर क्यूब से मीटर फोर कट गया, तो आंसर बना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए पार्ट आंसर हो गया। अब ये थोड़ी यार कि ये भी नहीं करके आओगे, अगर ये भी नहीं करके आए तो बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। 2019 अप्रैल, सोचो थोड़ा, सोचो इस आदमी की तरह सोचो थोड़ा, क्या, ध्यान से देखो। स्टील वायर हैविंग रेडियस 2 mm, तो रेडियस जो है वो 2 × 10⁻³ है। कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kg, जो मास है वो 4 kg का कैरी कर रही है एक छोटी सी पतली सी वायर, वो सीलिंग से अटैच है, हमें गिवन है जो जी है वो 3.1 पाई है, गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें निकालना है कि टेंसाइल स्ट्रेस कितना डेवलप हो गया होगा। ये क्या मजाक है यार, टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हो गया होगा वो होगा टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, टेंशन हो गई एम जी, फोर जी कितना है 3.1 पाई, डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 × 10⁻⁶, पाई से पाई कट गया, फोर से फोर कट गया, तो 3.1 × 10⁻⁶, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। भाई मैं बता रहा हूँ, तुम सोचोगे कि सर आप इजी करा रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन यही आते हैं, ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वेव्स मिल गई हैं, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इसमें ट्रांसवर्स वेव फॉलो हो रही है, ट्रांसवर्स वेव फॉलो हो रही है, तो ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, ये पता होना चाहिए था इसके लिए, इन्होंने दो चैप्टर मिला दिए, समझ में आ गया। मास पर यूनिट लेंथ दे दी है, हाँ भैया दे दिया, क्यों,
6 ग्राम दे रखा है तो 6 बाय 1000, और लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 60 × 100, तो आंसर जो आ गया वो आ गया अभी आपका 1/100 केजी पर मीटर। ये दे दिए सर मास पर यूनिट लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, हाँ सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया, वो हो गया 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, 1 mm² दे रखा है तो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। मैं डायरेक्टली इसी में लिखता हूँ यार, उसकी स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस दे रखा है, हमें बताना है कि एक्सटेंशन इन द वायर कितना है, टेंशन होगा तो कुछ एक्सटेंशन होगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो वेलोसिटी है 90 is equal to √ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू कितना था 1/100, तो 100 आ गया। लेकिन मुझे पता है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है टेंशन बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो मैं टी की वैल्यू इसमें से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो टी क्या होगा, टी होगा वाई ए डेल्टा एल बाय एल, बिल्कुल सही बात है। नए पेज पे ले आता हूँ, तो 90 is equal to √ टी, टी क्या डालेंगे वाई ए डेल्टा एल बाय एल इंटू हंड्रेड, दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो 8100 is equal to यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है 16 × 10⁻¹, 16 × 10⁻¹, एरिया कितना दे रखा है 10⁻⁶, डेल्टा एल निकालना है इंटू हंड्रेड, और ये कितना दे रखा है बच्चा, क्या लेंथ, लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर या 0.6। जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा एल निकल आएगा, जल्दी से सॉल्व करना बच्चा। तो आंसर तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 10⁵, ये हो जाएगा 10⁷, तो यहाँ से दो कट गए तो बच गया 10⁵, तो डेल्टा एल जो होगा 81 से 16 को काटा तो अप्रॉक्सीमेटली 5, 5 × 0.6 हो गया 0.3 / 10⁵ मीटर, या इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा कौन सा पार्ट, 0.03, या ए पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है भैया, ये ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया सबको, आसानी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें ये है कि ये सबको समझना पड़ेगा कि जो आपने टेंशन डेवलप करी है उस स्ट्रिंग में, उसकी वजह से वो थोड़ा एक्सटेंड हो गई है, तो ये PUM का क्वेश्चन है, और उसकी टेंशन की वजह से हमने एक वेव दौड़ा दिया, तो ये वेव्स का भी क्वेश्चन है, दोनों में आएगा, दोनों का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, एक बॉडी है मास 10 kg की, उसे अटैच कर दिया है एक एंड पे वायर के जिसका लेंथ है 0.3 मीटर, तो इसकी जो ये है ये 0.3 मीटर है, और इस एंड पे इसे ओमेगा से घुमाया है, इसे ओमेगा से घुमाया है, इसका मास जो है वो 10 kg है। हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड किससे घुमा सकते हो ताकि ताकि ये वायर ना टूटे, और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, इसका मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पे वो ना टूटे, तो सिग्मा जो होगा बच्चा वो होगा टी बाय ए, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। सिग्मा हमें मैक्सिमम ले लेते हैं 4.8 × 10⁻¹ की, भैया ना टूटे तो मैं मैक्सिमम पे घुमाऊंगा, टेंशन क्या होगा ध्यान से देखना, टेंशन होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर 0.3 / a, बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है भैया टेंशन एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं भैया, तो 4.8 × 10⁻¹ = मास ओमेगा स्क्वायर, आर कितना हो गया 0.3, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 10⁻⁶, क्योंकि -2 cm² है, उसे मीटर स्क्वायर में करा तो 10⁻⁶, तो ध्यान से देखो ये यहाँ चला जाएगा तो आंसर कितना जाना चाहिए, एक बार करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा बच्चा वो आपका निकल कर आएगा 16, या ओमेगा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ओमेगा जो टोटल निकल कर आएगा वो 4 निकल कर आएगा, सॉरी ये प्लस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है 4.8 × 10⁻¹, ठीक है। तो कैसे ये 10⁻⁷
इससे कट गया 10^6 और इससे टोटल से कट गया 10^7। ठीक है, अब ये 0.3 बचा, 0.3 और 4.8 देखोगे तो 16 हो जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर 16 है तो ओमेगा 4 निकल के आ गया। समझ में आ गया, आसानी है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है मोस्टली यहीं तक जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है ना, उसका एक वेरिएशन आता है जिसे बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, उसका एक वेरिएशन आता है जिसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है थर्मल स्ट्रेस। ध्यान से देखना इस रॉड को, अगर मैं बोलूं कि ये रॉड यहाँ से लेके इस दीवार के बीच में फिक्स थी, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ी बढ़ गई होगी, बिल्कुल बढ़ गई होगी, अगर यहाँ वॉल नहीं होती। लेकिन वॉल थी तो वॉल ने एक तरीके का फोर्स लगाया होगा ताकि वो ना बढ़े। तो जो ये वॉल एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से उसका टोटल जो डिफरेंस होना चाहिए लेंथ का वो जीरो हो जाए, ये एक तरीके का कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। इसी को कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, या स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू थर्मल चेंज, स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज प्लस डेल्टा एल ड्यू टू द फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज जो होता है वो होता है एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, इसकी वजह से जो होता है वो होता है एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। तो एफ बाय ए जो निकल कर आएगा, थर्मल स्ट्रेस जो निकल कर आएगा, वो निकल के आएगा माइनस वाई, ये भी एल नॉट ही होगा, माइनस वाई एल्फा डेल्टा टी, माइनस वाई अल्फा डेल्टा टी। वाई क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस। माइनस क्यों है, माइनस मतलब आपका कंप्रेसिव है, बिल्कुल माइनस मतलब आपका कंप्रेसिव है। अगर मैं पहले से ही कंप्रेसिव के लिए माइनस लगा देता तो ये पॉजिटिव निकल के आ जाता, समझ में आना चाहिए। तो क्या मतलब है इसका, मतलब है भैया कि हमने हीट करा रॉड को तो उसकी लेंथ बढ़ गई, जब हीट करने की वजह से लेंथ बढ़ गई तो एक तरीके से फिर आपने फोर्स लगा दिया था कि फिर पिचक जाए, तो टोटल बढ़ना प्लस कम होना टोटल मिला के ज़ीरो होना चाहिए था। तो पहले आपने सिर्फ बढ़ा दिया, फिर सिर्फ आपने कम कर दिया, दोनों का चेंज ज़ीरो ले लिया। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो ये चेंज होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। तो कोई ये मत कह देना कि सर आपने यहाँ पे जो एल नॉट लिया है वो तो एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो चुका होगा टेम्परेचर चेंज की वजह से, ये इतना छोटा होता है कि हम इसे निग्लेक्ट करते हैं। समझ में आ गया, तो इसी के बेसिस पे 2019 जनवरी में क्वेश्चन आ गया, पढ़ना जरा। एक रॉड है जिसका लेंथ एल था रूम टेम्परेचर पे और यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, वो मेटल की बनी हुई थी जिसका लीनियर एक्सपेंशन एल्फा था। ऑब्जर्व किया गया कि एक्सटर्नल कंप्रेशन फोर्स एफ लगाना पड़ता है उसके दोनों एंड्स पे ताकि उसकी लेंथ का चेंज ना हो जब उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाते हैं। थर्मल स्ट्रेस ही तो है, बिल्कुल सेम है। तो ये जो डेल्टा एल टेम्परेचर की वजह से बढ़ा शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल जो फोर्स की वजह से कम हो रहा है। डेल्टा एल टेम्परेचर की वजह से कितना होता है, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, उसकी वजह से कितना होता है, एफ एल नॉट बाय ए वाई। हमसे पूछ रहा है कि यंग मॉडुलस कितना है इस मेटल का, हमें y बताना है, तो L नॉट से L नॉट कट गया, तो यंग मॉडुलस जो आया वो आया F by A अल्फा डेल्टा T, F by A अल्फा डेल्टा T या थर्ड पार्ट। इतना इजी क्वेश्चन, F by A अल्फा डेल्टा T। समझ में आ गया सबको, डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना। लो, पोटेंशियल एनर्जी इन अ रॉड क्या होती है, अगर बच्चा आपकी रॉड खींची हुई है तो ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है जो वापस आने की कोशिश कर रही है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है। आप मत सोचना कहाँ से डिराइव हुआ, अब याद कर लो, अब टाइम ही है कि पूरा डेरिवेशन देखोगे तो। और पूरी पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम में नहीं, पूरी में कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू टोटल वॉल्यूम, हो गया आंसर। बस इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भैया, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। लो देखो, टू स्टील वायर्स हैविंग सेम लेंथ 2020 का है आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग, दोनों की लेंथ कितनी है बच्चा, एल और एल है।
अंडर द सेम लोड, दोनों का क्या है, सेम लोड है, दोनों स्टील की हैं तो दोनों का वाई भी सेम होगा, दोनों का वाई भी सेम होगा। हमें बताना है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर 1:4 है तो रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स कितना है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पता चल गया था कितना था, हाफ इंटू एफ बाय ए, बिल्कुल सही बात है। ए वन, पहले का एरिया ए वन ले लिया, दूसरे का क्या ले लिया, डेल्टा एल वन बाय एल, दोनों की लेंथ सेम है तो एल ले लिया, डिवाइडेड बाय हाफ, दोनों पे सेम स्ट्रेस नहीं है, एफ सेम है, डिवाइडेड बाय ए टू। फोर्स आपने सेम क्यों लिया, क्योंकि सेम लोड दे रखा है बच्चा, इंटू डेल्टा एल टू बाय एल, हमें आंसर दे रखा है 1:4, तो हाफ हाफ कट गया, सेम लोड है तो एफ कट गया, एरिया सेम नहीं है, लेंथ सेम थी इनिशियली तो एल एल कट गया, तो आपका आंसर आ गया भैया डेल्टा एल वन बाय ए वन, डेल्टा एल टू बाय ए टू शुड बी इक्वल टू 1/4। पहली इक्वेशन तो बहुत ही प्यार से आ गई। अब डेल्टा एल वन और एरिया और डेल्टा एल का रेशियो निकालना है, जल्दी से देख लेते हैं। दोनों स्टील की वायर है, दोनों का वाई इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल वाई इक्वल होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, दोनों का वाई देखना, एफ बाय ए वन डेल्टा एल वन बाय एल शुड बी इक्वल टू एफ बाय ए टू डेल्टा एल टू बाय एल। क्यों भैया, क्योंकि एल तो सेम है, एफ सेम है, तो ये कट गया ये कट गया, तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा एल वन बाय डेल्टा एल टू ए टू बाय ए वन निकल कर आया, इसको इस इक्वेशन में डाल दो। अगर इस इक्वेशन में डाल दिया तो आंसर निकल के आया ए टू बाय ए वन का जो स्क्वायर है वो 1:4 है, या नए पेज पे चलते हैं, ए टू बाई ए वन जो है वो 1:2 है, या आर टू बाई आर वन जो है वो 1√2 है, या R1:R2 √2/1 है, √2/1 है। समझ में आ गया, इजी कंसेप्ट है, सबको समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है ना। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जल्दी से रिवाइज करेंगे यार, टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है हमारे पास, ध्यान से देखना, बिल्कुल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सर ओ से लेके ए तक डायरेक्ट स्ट्रेट कर्व होता है, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको कहते हैं हुक्स लॉ वैलिड है, ए तक हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ए से बी तक जब थोड़ा सा कर्व घूमता है फिर भी इलास्टिक होता है मटेरियल, बी तक भी इलास्टिक होता है लेकिन हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। इलास्टिक होता है का क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर छोड़ दोगे तो वापस अपने जीरो पे आ जाएगा, बिल्कुल। तो बी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट ऑफ यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट बी को कहते हैं। बी के बाद प्लास्टिक रीजन चालू होता है, प्लास्टिक रीजन चालू होता है। प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब होता है, प्लास्टिक रीजन का मतलब है कि अगर सर बी के बाद जैसे अगर मैंने सी पॉइंट पे छोड़ा तो वैसे तो उसे वापस आ जाना चाहिए था वो पे, लेकिन प्लास्टिक है तो टोटल वापस नहीं आ पाता, तो थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, या इसे कहते हैं परमानेंट सेट रह जाता है, बी के बाद चालू हो जाता है। और फिर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं, फोर्स बढ़ाते रहते हैं, स्ट्रेन बढ़ता रहता है, 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 बढ़ता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता था, मैं बता रहा हूँ जो IIT में एक 5 करोड़ की मशीन है जिसमें कराते हैं, यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं तो टूट जाता है मटेरियल, टूट जाता है। तो डी पॉइंट को मैं कहता था अल्टीमेट स्ट्रेस, कि सर अगर इससे ज़्यादा आप स्ट्रेस बढ़ा देते हो तो वो टूट जाता है। तो उन्होंने कहा यार मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को ये देखना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कितना ला सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि डी पॉइंट तक तूने स्ट्रेस बढ़ाया, अब ऐसे कर स्ट्रेस को कम कर। तो उन्होंने स्ट्रेस कम करना चालू करा, और उन्होंने स्पेशल चीज़ पाई कि जब मैंने स्ट्रेस कम भी किया ना तो भी स्ट्रेन कम नहीं हुआ, स्ट्रेन फिर भी बढ़ने लग गया, ये टोटल प्लास्टिक मटेरियल हो चुका, टोटल प्लास्टिक मतलब ये वापस नहीं आ सकता बेचारा, ये प्लास्टिक मटेरियल हो गया, प्लास्टिक रीजन चला गया है डीई। फिर ये बढ़ता रहता है, आप स्ट्रेन स्ट्रेस कम भी करते रहोगे, कम भी करते रहोगे तो भी स्ट्रेन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक पॉइंट ई आएगा जिस पे ये टूट जाएगा। तो ई पॉइंट जो होता है उसे आप फ्रैक्चर पॉइंट बोलो,
आप उसे ब्रेकिंग पॉइंट बोलो, जो बोलना है बोलो। ये ई पॉइंट है, ये आपके तीन चार पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में आने चाहिए। ये आपके तीन चार पॉइंट है, इतना समझ में आ गया बहुत है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखा है, तो एग्जाम में डी और ई मत सोचना। तुम्हें सिर्फ ब्रेकिंग स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू सिग्मा फोर्स बाय एरिया करना है। कैलकुलेशन के लिए 11th 12th में ये सेम मान लेते हैं, वरना अल्टीमेट स्ट्रेस रियल लाइफ में और जो फ्रैक्चर स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो अलग होता है। समझ में आ गया, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्लियर है ये? चलो, इससे हम डक्टाइल और ब्रिटल भी देखते थे, याद है? डक्टाइल और ब्रिटल देखते थे कि जो ज़्यादा खिंच पाता है, जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है वो डक्टाइल होता है सर, जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है, जो ये डी वाला रीजन है वो बहुत कम होता है, तो उसे ब्रिटल कह देते थे क्योंकि वो टूट जाता था जल्दी से। तो डक्टाइल चाहिए तो ज़्यादा वाला मटीरियल चाहिए। सोचो सोचो, कॉपी खोलो बच्चा अपनी। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और बल्क मॉडुलस दिखा रहा हूँ, ज़्यादा फाइट नहीं लेंगे। शियर स्ट्रेस ये होता है कि आप बच्चा नीचे वाली सरफेस को फिक्स कर दो। कर दी भैया नीचे वाली सरफेस फिक्स, ऊपर वाली सरफेस पे ब्लॉक के शियरली एक फोर्स लगाओ। शियर मतलब पैरेलल टू द सरफेस। तो पता चलेगा कि जो सीधा ब्लॉक था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। नीचे वाली सरफेस फिक्स है तो सीधा वाला ब्लॉक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसमें जो शियर स्ट्रेस डिफाइन होगा, ध्यान से देखना, ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है फोर्स जो आपने लगाई है डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया? जिस एरिया पे आपने लगाई है, यही फिक्स सरफेस का एरिया ले लो या ऊपर वाले सरफेस का सेम एरिया है, डिवाइडेड बाय टैन फाई। फाई क्या होता है? फाई होता है कि अगर आपकी लेंथ पहले स्ट्रेट थी, वो टेढ़ी होके यू हो गई है। पहले लेंथ सीधी थी, अब थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो जितनी टेढ़ी हो गई है उसे फाई बोलते हैं। अगर मैं मानता हूँ ये एक्स आगे गया है और ये वाली लेंथ एल थी, तो कितना हो जाएगा? सबने कर रखा होगा क्लास में, ये हो जाएगा एफ बाय ए डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल। बस मैं और कुछ नहीं कराऊंगा, इतना याद है बहुत है, इतना याद है तुम लोगों को बहुत है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में भी क्या होता है? बल्क मॉडुलस में भी यही होता है कि सर प्रेशर का चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है उसमें? पता है अभी तक क्या हुआ उसमें? ये हुआ था बच्चे कि जो हम यंग्स मॉडुलस लेते हैं ना, उसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट क्यों मानते हो भैया? क्योंकि आप एक तरफ से खींचते हो तो दूसरा वाला पतला हो जाता है, एरिया पतला हो जाता है। लेकिन अगर मैं हर तरफ से प्रेशर लगाऊंगा तो पूरी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसमें डेंसिटी कॉन्स्टेंट मानेंगे, इसमें डेंसिटी चेंज मानेंगे। तो जो बल्क मॉडुलस का होता है वो होता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। तो अगर तुम डेल्टा पी पॉजिटिव ले लो, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बस इतना याद रखना है यार, इतना याद कर लो। अभी क्वेश्चन नहीं आए तो मैं कराऊंगा नहीं, अपने आप करेंगे सब, टाइम कंस्ट्रेंट भी है। तो अगर आप इतना कर पा रहे हो बच्चा, तो आई बिलीव कि आपको कोई नहीं रोक सकता यार। अगर इतना सबको याद है तो जेई मेंस में टॉप टॉप में रहेगा यार आप लोगों की, पक्का सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये सपोर्ट है। लेकिन बच्चा थोड़ा सा अपनी कॉपी भी फिर से स्टार्ट करो रिवाइज करना, ठीक है ना? एक बार ओपन करोगे ना, ये है कि एक पक्के नोट्स हो गए कि अब ये कर लिया तो सब कुछ रिवाइज हो गया एंड में। लेकिन बेसिक चीज़ें अगर थोड़ी भूल रहे हो, सब कुछ नहीं याद पा रहा, फिर भी तो अपना एक बार कॉपी खोल लो, ठीक है बच्चा? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा यार अभी तक। तो चलो बच्चा, थैंक्स, एक बार अपने अच्छे से फिर से रिवाइज करो यार, और मेंस आने वाला है, तैयारी चालू कर दो अच्छे से, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट बच्चा, ऑल द बेस्ट।